गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हेयर अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट आरडी शर्मा की बुक से। ये चैप्टर नंबर 8 है और अगर आप एनसीईआरटी की बुक से रेफर करते हैं तो ये चैप्टर है आपका नंबर 4। नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद आरडी शर्मा की बुक के ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम रेफर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ये टर्म आप फेमिलियर है, क्या होता है क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक एक ऐसी टर्म होती है जिसका मतलब होता है जिसकी पावर 2 होती है। आया ध्यान? इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था लीनियर। लीनियर का मतलब था एक ऐसा पॉलीनोमियल या इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 थी, जैसे x की बात हो रही है या फिर x प्लस वाई की बात हो रही है, 2x माइनस 9 की बात हो रही है। x की कितनी पावर है? जस्ट 1 पावर है। तो ये 1 पावर वाले लीनियर थे। अगर इनके ऊपर मैंने पावर 2 कर दी तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक। यही होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब ये पॉलीनोमियल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इक्वल का साइन नहीं है, इसे हमने किसी भी चीज़ के इक्वेट नहीं किया है, तो ये पॉलीनोमियल है। अगर मैंने इसके इक्वल कुछ भी यहाँ मेंशन किया कि 2x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स 0 इक्वल्स 99 वट एवर इट इज़, तो ये बन जाएगा इक्वेशन। और अब ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डज इट मेक सेंस? तो लीनियर हमें समझ आता है जिसकी पावर सिंगल होती है, और जब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जिसकी पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने पिक किए, हमें देखने होंगे कि क्या ये लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाती भी है कि नहीं बनाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं और इसको और ज़्यादा हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर बात हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इक्वल्स 0। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, उसके बाद 1 पावर है, तो आपको दिख रहा है एक ही वेरिएबल के अंदर हाईएस्ट पावर 2 है। तो हम कहते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो हम यहाँ पर यस मेंशन कर देते हैं कि यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। साफ साफ दिख रहा है मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। शॉर्टकट में फिलहाल यही ध्यान रखिए, इक्वल का साइन दिख रहा है तो वो इक्वेशन है, इक्वल का साइन नहीं है, मैंने सिर्फ इतना लिया देन इट इज़ अ पॉलीनोमियल, राइट। सेकेंड आता है अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा भी तो भी देखिए ये इतना ही रहेगा, एक्स स्क्वायर की पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी आपका यस है, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स 5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, हमें पता है कि इक्वेशन में अगर डेनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ कोई भी नंबर है और ये नंबर सिंप्लीफाई करने पर यहाँ और यहाँ इन दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा जिस जिसके पास एक्स स्क्वायर डेनोमिनेटर में नहीं है, यही सीखा है हमने रूल में। तो ये एक्स स्क्वायर इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, ये बनेगा एक्स की पावर 4, राइट। 1 के पास ऑलरेडी है तो 1 रहेगा ऐसे ही, इक्वल्स ये बन जाएगा 5x स्क्वायर। और अब ये हम हटा सकते, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमने इसको यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बन चुकी है, ये वाली इक्वेशन। अब इसको देख के हमें समझ आ रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। इस पॉलीनोमियल इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास स्क्वायर तो है लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट क्या है? एक्स की पावर 4। तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो लेट्स मेंशन इट, नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आता है एक्स माइनस 3/x इक्वल्स एक्स स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई बिल्कुल वैसे ही करेंगे, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा इक्वल्स 3x स्क्वायर। मल्टीप्लाई होगा ना, ये एक्स यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यही एक्स इक्वल के यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, जिस जिसके डेनोमिनेटर में ये एक्स नहीं है वहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है कुछ ऐसा, सॉल्व करने के बाद भी जो 3x की पावर है, 3x की पावर बन जाएगी 2x स्क्वायर। ये इस तरफ लाने पर सिंप्लीफाई करके यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा।
तो ये देखिए हमारे पास जो मैक्सिमम डिग्री है एक्स की वो 2 ही है, तो यस ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। आई एम सॉरी, ये एक्स एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स की क्यूब हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स एक्स क्यूब हो जाएगा। और ये क्यूब कहता है कि ये एक पॉलिनोमियल, सॉरी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो 3 आ रही है, राइट। तो ये तो नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 3 और x, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमारी जो x की एक पावर है ना वो अंडर रूट के अंदर है। कभी भी किसी भी इक्वेशन में मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर होता, उसके बाद भी अगर यहाँ पर x की कोई पावर हाफ या ऐसी आती है 1/2, 1/3 या फिर 1/4, ऐसी कोई भी पावर है, अंडर रूट एक्स का मतलब यही होता है, एक्स की पावर 1/2, यही होता है अंडर रूट एक्स का मीनिंग ना। तो ये वाली जो चीज़ है इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कभी भी अगर एक्स की पावर ऐसी है जो कि होल नंबर नहीं है, होनी कितनी चाहिए, या तो पावर एक्स की पावर 2 होनी चाहिए, 2 होने के बाद भी इसी वेरिएबल की कोई पावर ऐसी गिवन है या फिर ऐसे गिवन है x की पावर 1/4, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है। क्लियर है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं डिटरमाइन इफ द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन और नॉट। अब ये सॉल्यूशंस क्या चीज़ होती है, देखिए सॉल्यूशंस का मतलब होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब यहाँ पर x के कुछ ये सॉल्यूशंस दिए गए हैं, सॉल्यूशंस मतलब वैल्यूज़ गिवन है, आप ये वैल्यूज़ इसमें पुट करके चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल आती है। अगर ये वाली वैल्यू और इक्वल के बाद जो ज़ीरो है, ज़ीरो के इक्वल आ जाती है, तो हम कहेंगे हाँ ये तो इसका सॉल्यूशन है। माइनस वन रख के भी देखेंगे, माइनस वन रखने से भी अगर ये ज़ीरो हो जाती है तो हम कहेंगे हाँ ये भी एक सॉल्यूशन है। कैसे, हम इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0, मैं x की जगह 0 पुट कर रही हूँ, इसे लिखने का तरीका चलिए अभी ऐसे रखते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल्स 0, यहाँ सब 0 हो चुका है, सिर्फ 2 बचा है, राइट। ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे नो, ये एक सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे अब हम पुट करके देखते हैं माइनस 1 की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, इसके LHS में पुट करेंगे और हम चेक करेंगे क्या वो RHS के इक्वल आता है, तो हम यहाँ पर माइनस 1 रख रहे हैं, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2, यहाँ बना 1 प्लस 3 प्लस 2, तो ये भी जो वैल्यूज़ हैं हमारी क्या बनी, हाँ ये वैल्यू बनी 6, तो क्या ये RHS के इक्वल आ रहा है, ये RHS से, और ये है हमारा LHS, तो ये तो जीरो के इक्वल नहीं आया, तो हम बोलेंगे नो, दीज वैल्यूज आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशंस नहीं है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0, हमें प्रूव करना है, चेक करना है कि क्या ये जो वैल्यूज गिवन है साइड में ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो वही करेंगे हम, इसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमने ले लिया इसका LHS, यहाँ पर पुट करते 0, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये वैल्यू तो 0 के इक्वल नहीं आई, यानी नॉट इक्वल टू RHS, तो हम बोलेंगे नो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। राइट, ऐसे अब हम ट्राई कर लेते हैं 1 रख के, 1 रखने से देखिए ये भी 1 1 1 3 आएगा जो कि 0 नहीं आएगा, तो अगेन हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज इसका सॉल्यूशन नहीं है। इजी है ये वाले क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खेरे हियर अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था, हमने अंडरस्टैंड किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, राइट। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं एक ऐसी इक्वेशन के बारे में जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है,
प्लस 3x प्लस 4, यही होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सेकंड थिंग, इसके बाद इक्वल ज़रूर होना चाहिए। इक्वल के आगे यहाँ कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, एनीथिंग। इक्वल है तभी इसका नाम इक्वेशन है। अगर सिर्फ इतना होता तो ये एक पॉलिनोमियल थी, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने समझे थे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस का मतलब होता है एक्स की जो वैल्यूज़ होती है ना, आप वैल्यूज़ ऑफ एक्स कहते हैं, यही होते हैं सॉल्यूशन। ओके, वैल्यूज़ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यहाँ पर, जब भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है, हमें ज़्यादातर टाइम करना होता है मिड टर्म फैक्टराइजेशन। मिड टर्म फैक्टराइजेशन से आपको x की वैल्यूज़ मिलती है, वही इसके सॉल्यूशन होते हैं, राइट। अब के क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में 1-1 मार्क्स में, वो यही क्वेश्चंस होते हैं। आपसे कहा जाता है कि आप k की वैल्यू ऑप्टेन कीजिए इफ़ x इक्वल्स 2/3 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन कहता है कि x इक्वल्स 2/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, तो आप ऑप्टेन कीजिए k की वैल्यू। तो बहुत इजी होता है, अगर x इसका एक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है x की जो ये वैल्यू है ना 2/3, हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं जिसको सेटिस्फाई करेगी। क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट एक्चुअली थर्ड का। तो जो इक्वेशन गिवन है 7x² + kx - 3 = 0, यहाँ पर आपको पुट करनी है x की गिवन वैल्यू 2/3। पुट कर दीजिए 7, x की जगह जब आप 2/3 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा 2/3 - 3 = 0। वैल्यू पुट करने में डाउट है, एक बार देख लीजिए, 7 की जगह 7, x की जगह आपने रखा है 2/3, और जो स्क्वायर है वो आपने एज इट इज़ लगा दिया, प्लस k, और x की जगह आपने फिर से रख दिया 2/3, -3 = 0। अब इसको सॉल्व करना है कैसे, 7, सबसे पहले आप स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 4/9 + 2k/3, ये मल्टीप्लाई है ना, k और 2/3 मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 2k/3 - 3 = 0। अब ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं, 28/9 + 2k/3 - 3 = 0। अब यहाँ पर एलसीएम लेके आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन आप ये करिए, इसको सिंपलीफाई कीजिए। सिंपलीफाई करने का मतलब क्या होगा, देखिए ये 9 3 के पास 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसका एलसीएम लेंगे 9। अब 9 इसके पास तो है ना, तो आप यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे 28। 3 के पास 9 नहीं है, तो ये डिवाइड होगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6k। कैसे होता है, 3 और 9 डिवाइड हुए 6, सॉरी 3 आएगा, 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 6k माइनस। अब इसके डेनोमिनेटर में ना 9 है ना 3 है, तो 9 सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देगा, 27 = 0। और जैसे ये काम हो जाएगा, ये 9 नीचे से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो मैं इस स्टेप में इसको यहीं पर हटा देती हूँ। अब क्या बचा, यहाँ बचा 28 - 27 यानी कि 1 + 6k = 0। तो 6k = -1 एंड k = -1/6। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट का, स्क्रीनशॉट आप सेव कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। अब नेक्स्ट पार्ट में भी आपको यही करना है, आप एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप इसको सॉल्व करके देखिए, आई होप अब आप कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, विच इज़ इक्वेशन है x² - x a + b + k = 0। हमें x की जगह a पुट करना है k की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। आप जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a लिखिए, यहाँ पर भी आ गया a² - a
अब ये क्या बनेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस के इक्वल ज़ीरो। अब क्योंकि हमें के की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, तो फिर अब जो आंसर निकलेगा हम के को यहाँ रखेंगे, सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए, ए को भी मल्टीप्लाई करेगा, बी को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के इक्वल्स ज़ीरो। अब क्या करें, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों ख़त्म हो जाएंगे ना, ज़ीरो हो जाएंगे, तो यहाँ सिर्फ बचा माइनस ए बी प्लस के इक्वल ज़ीरो। हमें के की वैल्यू चाहिए, हम के को यहाँ रखेंगे और ए बी को वहाँ शिफ्ट करेंगे, वहाँ जाने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये हम माइनस का है, के साथ एड एडिशन के साथ है, तो हम जब इसे वहाँ शिफ्ट करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो के का आंसर आ चुका है ए बी। मेक सेंस? अब क्वेश्चन नंबर थ्री भी यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू एक्स माइनस फोर इक्वल्स ज़ीरो। एक्स की जगह हमें रखना होगा अब की बार अंडर रूट टू, अंडर रूट टू रखने से सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर के एज इट इज़ रहा अंडर रूट टू स्क्वायर, आपने सिर्फ एक्स की जगह रखा है ना, और इसके ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया प्लस अंडर रूट टू, एक्स की जगह हम फिर से रख देंगे अंडर रूट टू, ये डॉट का साइन मल्टीप्लिकेशन है ना, प्रोडक्ट का साइन है ये, माइनस फोर इक्वल्स ज़ीरो। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए के यहीं रहेगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर होता है टू, देखिए ऐसे अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, अंडर रूट टू के स्क्वायर का यही मतलब है ना, तो इसका मतलब हुआ ये हो गया अंडर रूट फोर यानी टू। क्लियर है? तो अंडर रूट टू और अंडर रूट टू हमेशा टू होगा। अब इसको याद भी कर लीजिए, ऐसे ही अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री होगा तो आंसर आएगा थ्री, अंडर रूट फोर इंटू अंडर रूट फोर होगा तो आंसर आएगा फोर। तो हमेशा आप कह सकते हैं कभी भी अंडर रूट और अंडर रूट सेम डिजिट मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें सिर्फ वही डिजिट लेना होता है बिना अंडर रूट के। तो फिर आपका यहाँ पर k इंटू टू हो गया प्लस, देखिए यहाँ भी वही आया अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, तो फिर आप इसको भी टू कर सकते हैं, माइनस फोर इक्वल्स ज़ीरो, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया आपका 2k। ये दोनों सॉल्व हो के क्या बनेंगे, माइनस का 2 इक्वल्स ज़ीरो। अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको k की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, तो पहले माइनस 2 को वहाँ भेजिए, 2k इक्वल्स 2, और k की वैल्यू के लिए 2 अपॉन 2 इक्वल्स 1, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिली k इक्वल्स 1। आई होप इट मेक सेंस। अब स्टार्ट करते हैं नंबर 4, स्क्रीनशॉट जल्दी से सेव कीजिए। डन। हाँ, इसका फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं, थर्ड का, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स प्लस के इक्वल्स ज़ीरो, और एक्स की वैल्यू अब हमें रखनी कितनी है, एक्स इक्वल्स माइनस ए। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम माइनस ए रखेंगे, बहुत ध्यान से। तो x की जगह जब आप माइनस ए का स्क्वायर लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना है प्लस थ्री ए, एक्स की जगह आपने माइनस ए रखा ना तो ऐसे लिखिए माइनस ए प्लस के इक्वल्स ज़ीरो। अब गलती से थ्री ए और माइनस ए को माइनस नहीं कर देंगे, एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि थ्री ए ए को मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर ही रहेगा, है ना। देखिए माइनस ए इंटू माइनस ए, तो ए और ए ए का स्क्वायर, माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ऐसे माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी का स्क्वायर आएगा, सॉरी क्यूब आएगा, लेकिन ये माइनस जो आपस में नहीं कट पाए हैं एक माइनस का साइन बच जाएगा, तो ऐसे ही माइनस ए के स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस ए इंटू माइनस ए, तो ये हो गया आपका ए का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों माइनस कट जाते हैं। क्लियर? तो ये ए का स्क्वायर बचा, थ्री ए और ए ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, इनको मल्टीप्लाई करने का मतलब है, देखो मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कैलकुलेशन आती है, फिर भी जो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इन छोटी छोटी कैलकुलेशन में, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, थ्री ए और ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ए की वन पावर और वन पावर ए का स्क्वायर हो जाती है, ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, और ये माइनस का साइन कहीं घटा नहीं घटा, तो ये माइनस का साइन यहाँ पर कैरी हो जाता है, तो माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस के इक्वल्स ज़ीरो। अब
ये दोनों प्लस माइनस में है, इनका वेरिएबल सेम है, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, तो ये बन गया माइनस टू ए स्क्वायर प्लस के इक्वल्स जीरो। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, तो सारी चीज़ें हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे, के रखने के यहाँ पर हम इसे यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया टू ए स्क्वायर, और इस तरह से आपका आंसर आ गया। दैट इज़ इट।